हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं और जिनके पास इंग्लिश फ्लुएंसी का सब्जेक्ट है, इंग्लिश फ्लुएंसी वन, ये सब्जेक्ट जिस भी बच्चे के पास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो अभी रिसेंट के एग्जाम में पूछे गए हैं। इन्हीं के बेस पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इनके ऊपर स्टडी कर लोगे, समझ लोगे ये क्वेश्चन, तो आप लोग आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो अभी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहले देखिए दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन पेपर है कितने नंबर आया था। 90 नंबर का पेपर आया था और 3 घंटे का टाइम मिला था। ठीक है, इसी तरह से जो आपका एग्जाम है, आपको 90 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा और 3 घंटे का टाइम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है जो अभी के एग्जाम में पूछे गए हैं। और हाँ दोस्तों, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, जितने भी बच्चे हैं, जब तक एसएल में रहोगे, एनसीवीएम में रहोगे या रेगुलर में रहोगे, हर एक अपडेट आपको इस चैनल के द्वारा मिलती रहा करेगी। तो जितने भी बच्चे हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, जो भी अपडेट होगी छोटी से छोटी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो अब वो क्वेश्चन देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंस्ट्रक्शंस में क्या बता रखा है कि इसमें पार्ट ए है और पार्ट बी है। ठीक है, दो पार्ट इसमें दे रखे हैं। पार्ट ए से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और पार्ट बी से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी टोटल 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, 10 में से 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो पार्ट ए से 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो पार्ट ए में 3 क्वेश्चन देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राइट ए डायरी एंट्री। ठीक है, तो आपका ये पहला क्वेश्चन, आपको डायरी एंट्री लिखनी होगी। ठीक है, फिर आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राइट ए ब्लॉग पोस्ट ऑन हाउ यू स्टार्ट पोस्टिंग ऑन ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो आपको राइट ए ब्लॉग लिखना है, तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपको सोशल मीडिया पे पोस्ट के बारे में लिखना है। ठीक है, कैसे आपने सोशल मीडिया पोस्टिंग स्टार्ट करी है। ठीक है, स्टार्ट पोस्टिंग ऑन ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो आपको इसके ऊपर लिखना होगा। ठीक है, एक ब्लॉग लिखना होगा, राइट ए ब्लॉग। अब तीसरे क्वेश्चन में देखिए, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राइट ए पैराग्राफ, आपको पैराग्राफ लिखना होगा, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट मैनेज योर फाइनेंस। ठीक है, तो आपको पैराग्राफ लिखना होगा, आप एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, आपको मैनेज योर फाइनेंस, यानी अपने को मैनेज करना है। ठीक है, फाइनेंस में मैनेज करना है, तो उस तरह से आप सभी को पैराग्राफ लिखना होगा बना के, राइट ए पैराग्राफ। अब चौथे में देखिए दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक है। ठीक है, इनको फिल करना होगा, फिल इन द ब्लैंक को, तो यहाँ पे आपको समझ के लिखना होगा कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, कौन सा सही आंसर है उसमें आप सभी को लिखना होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ये अभी रिसेंट का ही पेपर है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अब पाँचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पाँचवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो आइडेंटिफाई 10 मिस्टेक। ठीक है, आपको 10 मिस्टेक दी गई हैं इसमें, और इसमें करेक्ट करके आप सभी को लिखना है। ठीक है, पहले में कौन सा आएगा, दूसरे में कौन सा आएगा। ठीक है, यानी 10 पॉइंट हैं, आपको लाइन वाइज लिखने हैं। ठीक है, सीरियल वाइज आप सभी को लिखने हैं, इसमें 10 मिस्टेक दे रखी हैं, तो वो 10 मिस्टेक को आपको करेक्ट करना है। ठीक है, करेक्शन करना है आप सभी को, तो आपको इसमें से समझ के लिखना है कि कौन सा पहले पे आएगा, कौन सा दूसरा पॉइंट है, कौन सा तीसरा पॉइंट है। ठीक है, राइट पैसेज आपको बनाना है, एक तरीके से सही करके आप सभी को लिखना होगा। तो ये पांचवे क्वेश्चन में दे रखा है। अब दोस्तों, पार्ट बी आ गया, पार्ट बी में 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, पार्ट ए में आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अब पार्ट बी में आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो छठे में आपको पैसेज दे रखा है, ये आपका पैसेज है, पैसेज के नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके आंसर आप सभी को देने होंगे पैसेज में से ही। ठीक है, तो ये तो आप लोग बड़ा इजीली कर लोगे, तो ये आपका ये पैसेज है। ठीक है, ये पढ़ लेना, और नीचे एक क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके आंसर आप सभी को देने होंगे। ठीक है, तो नीचे एक क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप लोग पैसेज में से इनके आंसर दे देना। ठीक है, तो ये आप लोग कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, छठे के बी में आपको सिनोनियम लिखने हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द आप सभी को लिखने होंगे इसी पैसेज में से ही देख के, तो आपका ये छठे का बी हो गया। ठीक है, अब सातवें का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सातवें में क्या बोला गया है, सातवें आपको नोट्स बनाने। ठीक है, मेक ए नोट्स, जो छठा क्वेश्चन दे रखा है, छठे में से आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जो ऊपर पैसेज दे रखा है उसी पैसेज में से आप सभी को नोट्स बनाने होंगे 150 वर्ड्स के। ठीक है, 150 वर्ड्स आप सभी को लिखने होंगे, तो ये भी आप लोग कर लोगे बड़ा इजीली। ठीक है, नोट्स बनाने हैं पैसेज में से ही, जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसी में से ही नोट्स आप सभी को बनाने हैं, मेक नोट।
ठीक है, अब आठवां क्वेश्चन देखिए। आठवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आप गांव में गए हो किसी फैमिली के पास में, और उस फैमिली के जितने भी बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं 5 किलोमीटर पैदल चल के, तो उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, राइट है, डायलॉग्स आप सभी को लिखने होंगे कि उस फैमिली के जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं 5 किलोमीटर पैदल चल के, तो उनसे पूछना है कि उन्हें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, स्कूल जाने में। तो आपको डायलॉग्स लिखने होंगे, ठीक है, राइट है डायलॉग्स, कि उस बच्चे को क्या क्या दिक्कत आ रही है उस बच्चे से पूछना है। ठीक है, तो ये आपका आठवां क्वेश्चन हो गया। इस तरह से आप सभी को राइट है डायलॉग लिखने होंगे। अब नवे क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, एक TGT टीचर की वैकेंसी आई है। ठीक है, एक TGT टीचर की वैकेंसी आई है, तो आपको कवर लेटर बनाना है और रिज्यूम बनाना है। किस तरह का रिज्यूम आप सभी को बनाना है, ठीक है, उस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए, मतलब उसमें आप लोग एलिजिबल हो, तो उसके लिए आप सभी को कवर लेटर बनाना है और रिज्यूम बनाना है। ठीक है, तो आपको ये लिखना होगा, राइट है कवर लेटर एंड अटैच योर रिज्यूम, तो आपको ये बनाना होगा। ठीक है, तो आप लोगों को TGT टीचर के लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है, TGT इन इंग्लिश टीचर के लिए। तो ये आपका नवा क्वेश्चन हो गया। अब दसवें क्वेश्चन में देखिए, दसवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ये आपका दसवां क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या बोला गया है। राइट ए लेटर, ठीक है, आपको लेटर लिखना होगा। राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल आस्किंग फॉर परमिशन और ऑर्गेनाइज ए यूथ फेस्टिवल इन योर कॉलेज। ठीक है, आपको यूथ फेस्टिवल करना है, ठीक है, अपने कॉलेज में, तो उसके लिए आपको प्रिंसिपल से परमिशन लेनी है, तो उसके लिए आपको राइट ए लेटर लिखना होगा। तो ये आपके 10 क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जिनका भी 25 तारीख को एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इनके ऊपर स्टडी कर लेना, इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं और इन्हीं के जैसे ही आएंगे। ठीक है, ये नहीं बोलता कि सेम क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों देख लेना और स्टडी कर लेना, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जब तक एसवेल में रहोगे, एनसीवेब में रहोगे, रेगुलर में रहोगे, आपको इसी तरह से अपडेट मिलती रहा करेगी और हर एक हेल्प आप सबकी होती रहा करेगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना और शेयर कर देना दोस्तों के साथ में।